हेलो गाइस, आज हम करने वाले 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की फोर्थ पोएम, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसके पोएट है जॉन किट्स। ये जो हमारी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो ग्रीक लीजेंड यानी एक ग्रीक गाथा पर आधारित है, जिसमें जो जॉन किट्स है वो हमें प्रकृति के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि हमारे लिए प्रकृति किस तरह आवश्यक है और प्रकृति से हमें कितनी सारी खुशी की चीज़ें मिलती है। जो नेचर्स की थिंग होती है वो परमानेंट स्थायी रूप से एक ऐसे स्रोत होते हैं जो हमेशा हमें खुशी देते रहते हैं और हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कराते हैं। जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा हमें खुशी देती रहती है और वो कभी ख़त्म नहीं होती। और जो हमें प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हैं, फिर चाहे वो एक हो, दो हो या फिर हजारों हो, उन्हें हम बोलते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो हमेशा हमें खुशी देती रहती है और वो कभी ख़त्म नहीं होती। जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं ब्यूटी से जुड़ी हुई, तो वो हमेशा बढ़ती जाती है और उसकी खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा अच्छी और बढ़ती जाती है। और जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, वो हमें अच्छी स्लीप यानी एक अच्छी निद्रा, मीठी निद्रा प्रदान कराती है और एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कराती है। अच्छी निद्रा से पोइट कहना चाहते हैं कि जब कोई थका हुआ इंसान किसी पेड़ की छाव के नीचे आके बैठ जाता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, जिस तरह से उसे बहुत अच्छी नींद आती है और उसे एक साउंड स्लीप, एक मीठी नींद, मीठी निद्रा उसे प्राप्त होती है। प्रकृति से हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है जो हमेशा हमें खुशी देती रहती है, पर उन सब के बावजूद भी जो संसार है उस पर फ्रस्ट्रेशन, निराशा बढ़ती जा रही है और अच्छे लोगों की कमी हो रही है, जिससे हमारी जो पृथ्वी है, संसार है, उसमें निराशा फैल रही है और सभी लोग दुखी और अवसाद के शिकार हो रहे हैं। पर जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती हैं, हमें खुशी करने वाली चीज़ें होती हैं, वो सब तरह की सैडनेस, दुख को ख़त्म कर देती है और हमारी आत्माओं से भी सारे कष्टों को छीन लेती है। जो नेचर है, प्रकृति है जो हमारी, वो एक ऐसा निरंतर स्रोत है, कंटिन्यूसली सोर्स है हमारी हैप्पीनेस का, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, उनमें जो पोएट है वो काउंट करता है शिप्स को, भेड़ को, डेफोडिल्स यानी नरगिस के फूलों को, क्लियर स्ट्रीम्स, बहती नदियों के स्वच्छ पानी को, मस्क रोजेस यानी कस्तूरी गुलाबों को, फॉरेस्ट थिकर्स घने जंगलों को, घने पेड़ों को, और इसके साथ सूरज, चांद, जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति से मिली हुई, उन सबको जो पोएट है वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी बताता है। और यही सब थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमें खुश करती है। प्रकृति से मिली हुई चीज़ों के साथ साथ जो पोएट है वो और भी चीज़ों को वो एकत्रित करता है, जो उन्हें हैप्पीनेस यानी खुशी की चीज़ों को बताता है। जैसे पोएट बोलता है स्टोरीज ऑफ हीरोज, यहाँ पे जो हीरोज़ है, पोएट बोल रहा है उन वीर जवानों को जो हमारे लिए शांति का युद्ध लड़ते लड़ते मर चुके हैं, उनको शहीद हो चुके हैं, और वही जो चीज़ें हैं वो हमें खुश करती रहती है जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं, और वो हमारे ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव को डालती है, जिससे हमें अपने देश के प्रति प्यार करने की भावना पैदा होती रहती है। पर जो ब्यूटीज़ होती है नेचर से मिली हुई, वो किसी परियों की कहानियों से भी अच्छी होती है, लवली टेल्स से भी अच्छी होती है, और इसके साथ साथ अगर कोई हमें स्वर्ग से अमृत भी ला के दे दे, तो जो हमारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है प्रकृति से मिली हुई, तो वो उस अमृत जल से भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी